हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नू। आप देख रहे हैं अन्नूज रेसिपीज़। फ्रेंड्स, आज हम राइस नूडल्स बनाएंगे। राइस नूडल्स बनाना बहुत ही इजी है और ये बहुत हेल्दी ऑप्शन भी होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियोज़ के नीचे जो छोटा सा सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक कीजिए और जो छोटा सा बेल आइकन आता है उस पर क्लिक कीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री होता है, इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, राइस नूडल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चावल का आटा लिया है। ये मैंने घर पर ही तैयार किया है। इसी कप से नाप करके मैंने 1.25 कप पानी लिया है। 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है। सॉल्ट आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने एक पैन लिया है। उस पैन को हम गैस पर रखेंगे और गैस को ऑन करेंगे। उसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, जो हमने पानी लिया था वो उसमें डालेंगे। गैस को ऑन करेंगे और वाटर को बॉईल होने देंगे। उसमें हम थोड़ा सा अपना नमक, जो हमने नमक लिया था वो डालेंगे और थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे और पानी को बॉईल होने देंगे। जब पानी बॉईल हो जाएगा उसके बाद अपना चावल का आटा इसमें मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, पानी बॉईल हो गया है, अब हम गैस को कम कर देंगे और अपना आटा इसमें मिक्स करेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। आटा अच्छे से मिक्स हो गया है फ्रेंड्स। अब हम इसको गैस बंद कर देंगे और ढक करके 10 मिनट के लिए इसको हम रख देंगे ऐसे। 10 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स, हम अपने आटे को ट्रांसफर कर लेते हैं प्लेट में। अब हम इसको थोड़ा सा मैश करेंगे। ये थोड़ा गर्म है लेकिन हमें थोड़ा गर्म ही इसको मैश करना पड़ेगा जिससे कि ये अच्छे से सेट हो सके और इसका एक अच्छा स्मूथ डो बनाकर तैयार करना है हमको। थोड़ा गर्म है फ्रेंड्स ये। फ्रेंड्स, जब तक हम अपना डो सेट करते हैं तब तक हम अपना स्टीमर भी तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में 2 ग्लास पानी डाल दिया है। उसमें हम जाली स्टैंड रखेंगे और गैस को ऑन करके हम इसको ढक करके उबलने देंगे पानी को, जिससे कि हमारी स्टीम भी तैयार हो जाएगी। तब तक हम अपना आटा सेट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना एक स्मूथ डो तैयार कर लिया है। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे जिनको हमें स्टीम करना है। आप किसी भी शेप में बना सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ इन्हें स्टीम करना है। इस तरह से हम सारी बॉल बना करके तैयार कर लेंगे। मैंने सिलेंडर शेप में बनाए हैं। पानी हमारा बॉईल हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम इसमें स्टीम होने के लिए अपनी प्लेट रख देते हैं और इसको कवर करके अब हम 10 मिनट के लिए इसको स्टीम करेंगे। फ्रेंड, 10 मिनट हो गए हैं और हमारी बॉल पक कर के तैयार हैं। ये देखिए, इनमें थोड़ी शाइनिंग भी आ गई है और ये काफ़ी फूल भी गए हैं। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और इनको बाहर निकाल कर थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। उसके बाद हम इनके नूडल्स बनाकर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, हमारी बॉल्स ठंडी होकर के तैयार हो गई हैं। अब हम अपना चकली मेकर लेंगे और इसको हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और इसमें हम अपने बॉल्स को डालेंगे। जितनी बॉल्स एक बार में आ सके उतनी इसमें डाल दीजिए। और अब हम नूडल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे नूडल्स बन रहे हैं। इसी तरह से हम अपने सारे नूडल्स बना करके तैयार कर लेंगे। राइस नूडल्स बन करके तैयार है फ्रेंड्स। ये देखिए कितने अच्छे राइस नूडल्स बन करके तैयार हुए हैं हमारे। बहुत ही अच्छे राइस नूडल्स बने हैं। आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही सुंदर बने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, राइस नूडल्स बन करके तैयार हैं। बहुत ही अच्छे राइस नूडल्स बने हैं। आप ये रेसिपी बनाइए, खाइए। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।